तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आपने कहा था कि आपको व्लॉग चाहिए, तो अभी ये व्लॉग आ रहा है। तो यार, ये पहला व्लॉग है, मैंने कभी ऐसे व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी है, तो कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। तो बाकी अभी मैं तैयार हो गया हूँ और थोड़ी देर में मैं निकलूँगा। तो निकलने से पहले पापा से पहले पैसे मांग लेता हूँ, उसके बाद ही मतलब बिना पैसों के क्या ही बुक खरीदूँगा, तो पहले जाके पैसे मांग लेता हूँ। ठीक है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मतलब ऐसे व्लॉगिंग वगैरह करी नहीं है, तो कैमरा ऐसे पकड़ के जाना और देखते हैं। पापा, आपसे बात करनी है। वो मैं बुक स्टोर जा रहा था ना, तो उसके लिए पैसे दे दो। आपकी श्रद्धा है, आपको जितने देने आप दे दो। बाद में मत बोलिए, बड़ा चढ़ा के देने हैं। जितनी बड़ी श्रद्धा होगी उतना दूंगा फिर मैं। या तो एक बार बोल दे कितने चाहिए। दे दो, आप कितने दे रहे हो। बस 100 रुपये। श्रद्धा तो ऐसी ही होती है। पापा कुछ और तो दे दो। वापस कर दे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। यार मुझे पता नहीं ये शीशे में व्लॉगिंग क्यों करते हैं, बट कूल लगता, तो मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा कर लेता हूँ। बाकी पापा से पैसे मिल गए हैं, और वो मैंने पापा को कहा था एक्टिंग करने के लिए, पापा ने पैसे दे दिए। ऐसी बात नहीं, कंजूसी नहीं करी है पापा। वैसे मेरे पापा ऐसे मेरे को मोटिवेट ही करते हैं कि मतलब बुक्स पढ़ रहा तो सही चीज़ है। मतलब बुक्स के लिए कभी ऐसे पैसे देने के लिए ना पापा ना दादी मना करते हैं। तो पैसे मिल चुके हैं, तो अब सीधा बुक स्टोर में मिलता हूँ आपसे। उससे पहले मतलब आपको रास्ते में थोड़ा दिखा दूंगा कि मॉल वगैरह कैसे दिखता है, उसके बाद सीधा बुक स्टोर में। तो चलो चलते हैं। यार फाइनली अब हमने मॉल में एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर खाने पीने की जगह है। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। तो हम मेन मॉल में हम एंटर हो चुके हैं अब, और यहाँ पर कई सारी दुकानें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत महंगी महंगी दुकानें हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये बहुत ही बढ़िया यार मॉल बना रखा है, तो मतलब काफ़ी बढ़िया एकदम फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए जगह लगी मेरे को ये। यहाँ एक छोटा सा ये इग्नू टाइप बना रखा है, और ये हम एंट्री करने वाले हैं जस्ट। अब बुक स्टोर आएगा, ये सामने ही है बुक स्टोर। तो जैसे कि देख सकते हो आप यार, ये रहा मैं, और ये ढेर सारी किताबें, और यहाँ पर पूरा एकदम किताबों का ढेर लगा हुआ है। अच्छे तरीके से किताबें अरेंज हो रखी हैं। इनके अंदर से अगर मान लो कोई बुक्स अच्छी लगी तो मैं निकालूंगा, कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी तब तक आपको और बुक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है, और ये सारी ही बुक्स जो हार्ड कवर है वो 200 की, और जो पेपर बैक है वो 150 की। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स का बढ़िया सी ग्राफिटी बना रखी है, ग्राफिटी बोलते शायद से। और यहाँ पर ये बच्चों की किताबें हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी किताबें लग रही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स द बुक्स, जो इनकी स्कीम है, जिसमें कि आप एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आप जितनी मर्जी किताबें भर लीजिए, और उसकी कीमत होगी 2000 रुपीज़। और वहाँ राइट साइड में गेम पार्लर है, सब मोह माया है। तो यार ये बुद्धा का ये बढ़िया सा एक टांगने वाला बहुत सही लग रहा है मेरे को। तो आप बुक्स देख लेते हैं कौन सी हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं, तो सबसे पहले ये ओम स्वामी की द बुक ऑफ काइंडनेस, मेरे को काफ़ी सही टाइटल लग रहा है ये। और इसके प्राइस देख लेते हैं, तो ये बुक है 300 रुपीज़ की। तो यार ये वाला सेक्शन लग रहा है डैन ब्राउन का, और ये थोड़ा फिक्शन वगैरह का है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रखी हुई है डैन ब्राउन की लॉ सिंबल, और ये भी 200 रुपीज़ की है। यहाँ पर पीछे लिखी भी नहीं है, बट यार बुक की कंडीशन बहुत सही है यहाँ पर, एकदम नई और ओरिजिनल बुक है।
और यहाँ 10 राउंड की लॉ सिंबल की और कॉपी रखी हुई है। यहाँ पर ये टॉम क्लेंसी की कोई बुक है। यहाँ पर एकदम माहौल जमा पड़ा है यार, आवाज़ नहीं आ रही होगी तो सॉरी यार। यहाँ पर 10 राउंड की इन्फर्नो, ये भी 200 रुपये की है। और यहाँ पर इन्फर्नो की एक और कॉपी रखी हुई है, जे क्राउलिंग की कैजुअल वैकेंसी, ये भी यहाँ पर 200 रुपीज़ की। यहाँ पर सारी नॉवेल्स हैं। तो अभी इस सेक्शन को देख लेते हैं यार, यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो सबसे पहले ईटिंग एट वर्क, ईशा खोसला की है ये, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है मेरे को, और कवर पेज भी काफ़ी जेन्युइन बना रखा है। पेजेस ज़्यादा नहीं है इस बुक के, हेल्थ के बारे में ये बुक ज़्यादा लग रही है। रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा खोसला शोज अस हाउ टू मेक मिनिमल लाइफस्टाइल। तो ये 300 रुपये की बुक है और हेल्थ लिविंग एंड वेलनेस के ऊपर है, ठीक है, ये COVID-19 के ऊपर। ये किताब में मेरा भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरली यार। इनमें से कुछ एक्साइटिंग मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी समझ लो ऐसी थोड़ी कम फेमस बुक्स हैं। यहाँ पर ज़्यादा मेरे को इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये नॉवल है, तो यहाँ पर जिनको नॉवल्स वगैरह पसंद है उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। डेज ऑफ माई चाइना ड्रैगन, तो ये 399 की और फिक्शन है ये। इसका कवर पेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कंटेंडर्स बाय प्रिया सेगल, नॉन फिक्शन पॉलिटिक्स। ये बुक मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, बर्लिन इज यूरोप्स मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग सिटी, रिफॉर्मेशन टू मार्क्सिज्म हैव देयर ओरिजिन इन बर्लिन स्ट्रीट। तो यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया है केरला, और बाकी सारी यहाँ पर केविन मिशेल की बुक है, ये यम रखी हुई है यहाँ पर केविन मिशेल की। टेन मिनट ब्रेन वर्कआउट, और यहाँ पर शेन वॉन की नो स्पिन रखी हुई है एंड माई ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा यार, मतलब मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये है एन इटालियन सन इन लॉ इन इंडिया, 400। यहाँ बिल प्राइसन का सारा सेक्शन, ग्रीस, हिजाब, द ओनली लाइफ, ओशो, भाई लिटरली मेरे को लग रहा है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपनी पसंद की किताबें ढूंढने के लिए, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं, इनमें से अपनी बुक्स ढूंढना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क मेरे को लग रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल्स भी हैं, चेतन भगत नॉवेल्स ज़्यादा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन डे रखी हुई है, पर मैं खींचूँगा तो ये सारा गिर सकता है, तो अभी मैं सर इसका ले लूँगा। ये वाला टाइटल मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है इसमें पढ़ने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर इंडिया के बारे में इंडियन ऑथर्स की काफ़ी किताबें हैं, लाइक ये बैक फ्रॉम द ब्रिंक, सीता शरद गुप्ता, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को। तो यार अब बारी है आपको मेन बुक स्टोर दिखाने का। ये जो बाहर से दिखा रहा था वो तो अभी तक फेस्टिवल का पार्ट था, तो अब अंदर से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर एक एनीमे है उसका डब्बा रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर मेरे को क्या दिखा है, तो यहाँ पर है हमारे पास हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस का अपना हफल पफ वाला एडिशन, तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये हार्ड कवर में। तो जो अंदर की बुक्स हैं उन पर 15% डिस्काउंट, और बाहर फेस्टिवल की वजह से जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पर 13 रीजंस वाई है, और यहाँ पर हैरी पॉटर डेथली हेलोज ये वाली बुक मेरे पास है, द नेम सेक बाय झुम्पा लाहिरी, शू डॉग बाय फिल नाइट, ये भी बुक मेरे पास है, बट इसका मेरे पास पायरेटेड वर्जन है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी मतलब बेस्ट सेलर रखी हुई है यहाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स, और यहाँ पर अश्विन सांगी जी की नई बुक द मैजिशियंस ऑफ मजदा। ओए ओए अभी क्या दिखा भाई मैंने, इसी में साइंड है भाई, सही है यार साइंड कॉपी है ये तो। टर्निंग पॉइंट्स ये भी मेरे पास है, मेरे को वही बुक्स दिख रही है जो मेरे पास है। यहाँ पर हैरी पॉटर ये फर्स्ट एडिशन लग रहा है मेरे को, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, सही है यार एकदम बढ़िया कंडीशन में है बुक। नीचे अमीश जी की बुक्स, यहाँ पर स्टीफन किंग की इट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी है, और देखता हूँ यार और कौन सी बुक है, वहाँ पर वो डेल कार्नेगी का बुक सेट भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर बीन बैग है पढ़ने, आप कोई किताब उठा के पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यार, मतलब पूरा बुक स्टोर को एकदम मॉडर्न लुक दे रखा है। आप बताओ यार आपको कैसे अंदर से बुक स्टोर लग रहा है, मेरे को तो बहुत सही लगा। अब आगे और बुक दिखाता हूँ, होमो ड्यूस, मेरे को वही बुक दिख रही है जो मेरे पास है, ये देखो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और यहाँ टोनी रॉबिन्स की एक किताब रखी हुई है लाइफ फोर्स, हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड द एनआरकी बाय विलियम डेलरी एम्पल, ये मेरे पास हार्ड कवर में है, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर शशि थरूर की रखी हुई है, और यहाँ पर भी शशि थरूर की है बाय आई एम ए हिंदू, ये काफ़ी फेमस बुक है, बेस्ट सेलर रही है ये, इसलिए मेरी नज़र इस पर पड़ गई। यहाँ पर एडम ग्रैंड की थिंक अगेन भी लिखी हुई है, लिखी हुई है कह रहा हूँ, हुक्ड बाय नीर एयाल, ये बुक यार मेरे को काफ़ी सही लगती है, तो मेरा मन है ये बुक ख़रीदने का, बट काफ़ी कॉस्टली है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड ये बुक भी है मेरे पास, डीप पर्पस बाय रंजय गुलाटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और यहाँ पर यू कैन विन भी रखी हुई है। काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, एनीमे भी बहुत सारे हैं, मतलब मेरे को लगा कि इन्होंने बहुत सही मार्केटिंग वगैरह कर रखी है, सारी बेस्ट सेलर्स वगैरह रख रखी है, और मतलब पूरा एकदम मॉडर्न टाइप में जो इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटो खींच के डाल सकता है, पूरा एकदम वैसे बना रखा है। और यहाँ पर हैरी पॉटर रेवनक्लो एडिशन बहुत सही लग रहा है, तो आप देखो यार पूरा मतलब पूरा जो स्टोर है वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल एकदम सोच समझ के बनाया है। यहाँ पर पूरी एक दीवार एनीमे को डेडिकेट कर रखी है, और यहाँ पर भी रीडिंग स्पेस है एक, यहाँ पर सबने रिव्यू दे रखे हैं, चीटी चिपका रखी है, काफ़ी अच्छा बनाया यार, मतलब सही है, मार्केटिंग तगड़ी कर रखी है। और यहाँ पर इलस्ट्रेटिव वर्जन ऑफ चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का, तो ये वाला हार्ड कवर यार बहुत सही लगता है मेरे को, और यहाँ पर अंदर भी है रीडिंग स्पेस, आप जाके पढ़ सकते हैं, काफ़ी कूल लग रहा है यार, मतलब इसकी थोड़ी हाइट कम है ना तो एकदम बढ़िया फील आ रही है। इंस्टाग्राम पे जो फोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं बुक्स की, उनके लिए तो मतलब मज़ा आ जाएगा उनको, तो इतनी बढ़िया फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक होती हैं, तो यहाँ पर हम भी एक छोटा सा रिव्यू लिख ही देते हैं। यहाँ पर सबने अपने जो रिव्यू और फीडबैक है वो यहाँ दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ से यार काफ़ी बुक्स ख़रीदी, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपको देख रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ख़रीदी है, तो सैटरडे को वो वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। टेल मी कि आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको बुक स्टोर, और कैसा लगा आपको ब्लॉग, सब कुछ आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार फाइनली अब घर आ गए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मतलब बोल बोल के थक चुका हूँ मैं, और बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था वहाँ का। आई थिंक आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो यार जैसा भी आपको व्लॉग लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आप अपनी फेवरेट किताब का नाम भी आप बता सकते हो कि आपको जितनी भी मैंने बुक्स दिखाई उनमें से कौन सी बुक अच्छी लगी, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन सी बुक्स खरीदते। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को खूब शेयर करो कि भाई मज़ा आ जाए। आज लास्ट डे था, और आपकी भारी डिमांड की वजह से ये व्लॉग आया है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई थिंक आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।